तो स्वागत है भाई आप सभी लोगों का एक नई वीडियो में। ये मैंने माइक लगा लिया अभी, तो जल्दी जल्दी में लगा लिया, वैसे अंदर लगा लूँगा इसको, वरना थोड़ा अजीब सा लगता है, इस पर ही ध्यान जाता रहेगा आप लोगों का। तो कल हमने भाई यहीं पे अपनी वैन पार्क कर दी थी लिटिल इंडिया में, और इसी के अंदर सो गए थे, क्योंकि यहाँ पर भाई 6 बजे तक पार्किंग पेड है, 7 बजे से 9 बजे तक नो पार्किंग है बिल्कुल, क्योंकि कूड़ा उठाने वाली वैन आती है, वो कूड़ा उठा के लेके जाती है, तो अगर आपने तब लगाए तो चलान आएगा आपका मोटे वाला। तो अभी बज रहे हैं सुबह के 6:30, हम उठ गए हैं, इस गाड़ी को अब यहाँ से निकालना पड़ेगा। तो हमको पहले जाना है, जैसे कल हमने माइक पिक किया था ना पिछली वीडियो में आपने देखा होगा, तो हमने न्यू जर्सी में मंगा रखे हैं अपने 2 पावर बैंक और गाड़ी की कुछ लड़ी वगैरह ऐसी है, मतलब डेकोरेटिव आइटम वो मंगा रखा है, वो पिकअप करना है। वो 24 घंटे खुला होता है वाला स्टोर जहाँ से हमको पिकअप करना है, तो वो पिकअप करेंगे, फिर हम जाएंगे जिम। और इस वीडियो में आप देखोगे स्टैचू ऑफ लिबर्टी, होपफुली अगर चेंज नहीं होता प्लान तो। चलें भाई? हाँ भाई चलते हैं। कहाँ जा रहे थे? मैं तो देख रहा था ये मंदिर पे, देखो सुबह सुबह ही लोग मत्था टेकने आ गए ना। हाँ तो अभी खुला भी नहीं, यहाँ लगाई थी हमने गाड़ी। चलो भाई करो ऑन, वरना चलान आ जाएगा आपके घर पे, फिर मेरे से कहोगे नो अंकुर भाई भर दो, आप ही कोई भरने हैं भाई। तो भाई यहाँ पे हम आ गए, पता नहीं ये पेट्रोल पंप सा है, इस पे कहीं पे है यार जहाँ पे हमारा वो रखा है पार्सल, अब पता नहीं कहाँ पे, और ढूंढना पड़ेगा कि पार्सल अमेजोन वाले कहाँ रख के जाते हैं। भाई वहाँ से हमने गाड़ी पार्क करी, यहीं पे मिल गया, देखो पूरे अमेजोन वालों ने अपने लॉकर के सिस्टम बना रखे हैं। यहाँ पे हमको डालना है कोड, जो ऑर्डर में हमारा आ गया कोड डालते ही लॉकर खुल जाएगा, जोन से में भी हमारा है, और वहाँ से हम प्रोडक्ट अपना निकाल लेंगे और अपने पास रख लेंगे। अगर ये फुल हो जाता है तो अमेजोन वाले आपको नोटिफाई कर देते हैं अपने अकाउंट पे कि भाई फुल हो गया, कोई और आप लॉकर पिक करो कहीं पे और। तो हमने पहले न्यूयॉर्क पिक करा था, वो फुल हो चुका था, तो हमने यहाँ पे पिक करा है। ये 2 लॉकर, अब 2 पैकेज आए हमारे ओपन लॉकर 1। ओ भाई सीक्रेट पार्सल, एक ये ले लो। ओके अब इसमें तो नहीं है कुछ, देख लो ना इसमें नहीं है, ये कर दिया हमने बंद। आ गया हमारा एक पैकेज, ठीक है भाई ओपन लॉकर 1, कोड एक्सेप्टेड, स्टेप बैक, अच्छा एग्जिट कर दूं। ओ अपने आप खुल गया दूसरे वाला, लो भाई जे बात। तो भाई हमको मिल गए अपने दोनों पार्सल, जिसमें है 2 पावर बैंक, क्योंकि संटी भाई ने कहा हम यहाँ से सुबह न्यूयॉर्क जाएंगे, रात तक वापस आएंगे, तो पक्का फोन की बैटरी ड्रेन हो ही जाएगी, क्योंकि इतना सब कुछ है वहाँ पे बनाने के लिए। तो हमने कहा एक एक पावर बैंक मंगा लेते हैं बढ़िया वाला, तो पावर बैंक मंगा लिया। कितना सही सिस्टम है ना यार, 24 घंटे में आप कभी भी आके ले सकते हो यहाँ से, कोई मतलब ये बहाना नहीं बनाएगा अमेजोन का डिलीवरी वाला कि भाई मेरे को मिला नहीं, आपका घर नहीं मिला, उनके लिए भी कन्वीनियंट है, और जो रहते हैं लोग कभी भी आके ले जाओ, कोई ऑफिस में कोई कहीं पे है। तो ये तो मैंने नया सिस्टम पहली बार देखा भाई। भाई यहाँ से हम निकल चुके हैं अब अपने लिबर्टी स्टेट पार्क के लिए, कुछ ऐसा है ना, लिबर्टी स्टेट पार्क है ये। अच्छा। न्यू जर्सी सिटी में, यहाँ से हम लोग पकड़ेंगे बोट जो हमें लेके जाएगी, $22 या $25 की टिकट होगी, लिबर्टी आइलैंड, स्टैचू ऑफ लिबर्टी लेके जाएगी। ओके। और उससे पहले एक और आइलैंड पे लेके जाएगी जहाँ पे इमिग्रेशन होता था पुराने टाइम में, ठीक है इसके हम वहीं जाके बताएंगे। अभी हम न्यू जर्सी सिटी में से निकल रहे हैं अपना नहा धो के, ऐसे लग रहे हैं भाई हम नहा धो के तैयार हो गए हैं। तो भाई ये हम आ गए लिबर्टी स्टेट पास, फर्स्ट 30 मिनट्स फ्री है, फिर $7 की यहाँ हमको पार्किंग देनी पड़ेगी, पर्ची लेंगे भी हम और आते वक्त देंगे है ना। सही है, चलो खाली पड़ा यार ये, तो दिखाना पर्ची, ये पर्ची आ गई भाई। अगर आप 30 मिनट में यहाँ पे फोटो वोटो खिंचवा के चले जाते हो तो आपके लिए फ्री है, क्रेडिट कार्ड पेमेंट ओनली है भाई, और फिर $7। हम तो शाम को आएंगे अब गाड़ी लेने शायद, तो हम तो $7 देंगे। देखो यहाँ पे कई वो भी कैंपर खड़ा है, तो हम यहीं कहीं पार्क कर देंगे, बोट के आसपास ही लगाओ जहाँ सबसे नज़दीकी हो। तो ये हम आ गए हैं भाई लिबर्टी स्टेट पार्क, पता नहीं घास पे चलना अलाउड है या नहीं यहाँ पे, तो वहाँ पे आपको पूरी दिखेगी मैनहट्टन की स्काईलाइन। इसको मैं ट्राई करूँगा शाम को दिखाऊँ, या फिर अभी जब बोट लेके जाएंगे तब दिखा दूँ आपको, मेरे को नहीं पता कहाँ से बोट मिलती है, संटी भाई को ही पता है, वो थोड़ा रेस्ट कर रहे हैं अभी। तो यहाँ पे भी आप स्काईलाइन देख सकते हो सारी। तो यहाँ से हम जाएंगे स्टैचू ऑफ लिबर्टी बोट लेके,
एक तो भाई न्यूयॉर्क से बोट चलती है, अगर आपको फ्री में देखनी है ना, पास से देखनी है, तो बोट चलती है न्यूयॉर्क से स्टैटन आइलैंड। तो स्टैटन आइलैंड तक की आप बोट ले सकते हो, पर वो स्टैचू ऑफ लिबर्टी का जो आइलैंड है ना, उस आइलैंड पे वो बोट नहीं रुकती भाई, आपको दूर से ही देखने को मिलेगी। मतलब बोट चलती बोट पे से आप देख सकते हो, पर वो उस आइलैंड पे नहीं रुकेगी। तो उस आइलैंड पे अगर आपको रुकना है तो फिर आपको लेनी पड़ेगी भाई $25 या फिर $22 की कुछ बोट आती है। अब हम जर्सी से जा रहे हैं, अगर आपको न्यूयॉर्क एंटर भी नहीं करना तो जर्सी में ये लिबर्टी स्टेट पार करके यहाँ से आप सीधी बोट लेके जा सकते हो स्टैचू ऑफ लिबर्टी के आइलैंड। एक आइलैंड और है स्टैचू ऑफ लिबर्टी के साथ, जिसको कहते थे पहले इमिग्रेशन आइलैंड। अब वो इमिग्रेशन आइलैंड इसलिए नाम था, जितने भी शिप आते थे ना यूरोप से आ गए, अफ्रीका से आ गए, तो उस इमिग्रेशन आइलैंड पे रुकते थे शिप वो सारे, और जब उनका हो जाता था इमिग्रेशन पार तब उनको न्यूयॉर्क में एंटर करने देते थे। मैं आपको मैप पे दिखा देता हूँ, बिल्कुल एक छोटी सी सड़क जा रही है उस आइलैंड से मेनलैंड यूएस के लिए। अब उस आइलैंड से अगर आपको कहीं पे भी और जाना है ना, यूएस में कोई भागना चाहे भाग नहीं सकता क्योंकि चारों तरफ पानी है। जिनका इमिग्रेशन डिक्लाइन हो जाता था उनको वहीं से बोट में बिठा के वापस भेज देते थे। तो अब चलते हैं यहाँ पे स्टैचू ऑफ लिबर्टी की तरफ। आज तक सिर्फ फ़ोटोज़ में देखा था, आज असलियत में देखेंगे भाई कैसी है। तो भाई यहाँ पे आप सामने देख रहे हो न्यूयॉर्क की आइकॉनिक स्काईलाइन, वो सबसे बड़ी वाली बिल्डिंग है वर्ल्ड ट्रेड सेंटर, और ये है उन वर्ल्ड ट्रेड सेंटर्स में से बिल्डिंग के ब्लॉक्स। ये कंक्रीट लगा हुआ है, ये लोहा लगा हुआ, जो कि 9/11 हादसे में प्लेन क्रैश का शिकार हुए थे, मतलब आतंकवादी हमले का शिकार हुए थे। यहाँ से इन्होंने पूरे नाम लिख रखा है जितने भी लोग, एम्प्टी स्काई न्यू जर्सी सेप्टेम्बर 11th मेमोरियल ऑन द मॉर्निंग, ये सब लिख रखा है 2001 में क्या हुआ था। आप लोगों को पता नहीं होगा, मेरे फादर इंडियन नेवी में काम करते थे, मर्चेंट नेवी नहीं, इंडियन आर्मी की तरफ जो इंडियन नेवी है उसमें काम करते थे। तो वो 2000 में न्यूयॉर्क आए थे अपने इंडियन नेवल शिप पे, तो तब वर्ल्ड ट्रेड सेंटर्स की दोनों बिल्डिंग यहाँ पे थी, और उनकी मतलब फ़ोटो भी है, अगर होगी तो मैं साइड में लगा दूंगा, पर अब तो यहाँ नहीं है। उसकी जगह एक बिल्डिंग बना दी इन्होंने आखिरी में वर्ल्ड ट्रेड सेंटर की, अब एक बिल्डिंग है, पहले दो ट्विन टावर्स होती थी। साइड में लोगों के नाम लिख रखे हैं जितने भी लोग उसमें मरे होंगे। तो अब यहाँ से हम चलेंगे बोट लेके स्टैचू ऑफ लिबर्टी के आइलैंड पे। ये देखो भाई न्यूयॉर्क की स्काईलाइन, वो जो बिल्डिंग है वो वाली है एम्पायर स्टेट बिल्डिंग, वहाँ पर जो सबसे लंबी दिख रही है, यहाँ पर जो सबसे लंबी दिख रही है ये है वर्ल्ड ट्रेड सेंटर, और एक वो वाली बिल्डिंग आजकल बड़ी फेमस हो रखी है, वो पतली सी जो सबसे बड़ी है, उसको मतलब न्यूयॉर्क की सबसे भद्दी बिल्डिंग भी कहते हैं, पता नहीं मेरे को तो सही लग रही है वैसे देखा जाए तो। तो अभी फेरी आने वाली है, लोग वेट कर रहे हैं, अगर हमने ये वाली फेरी मिस कर दी ना तो एक घंटा वेट करना पड़ जाएगा, तो इसलिए हम जल्दी 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 चलते हैं। तो भाई ये टिकट है 24.50, पता नहीं हमको 24.80 वाली क्यों दे दी, मेरे को समझ में नहीं आया, पर छोड़ो अब इतना दिमाग में लगा नहीं सकता 30 सेंट के ऊपर, चलते हैं वो बोट ना निकल जाए, फिर एक घंटा वेट करो। भाई भीड़ देखो कितनी ज़्यादा हो रखी है, ये तो मेरे को तो लग रहा है भरी जाएगी पूरी फेरी है, हमको तो भाई ऊपर जगह ही नहीं मिलेगी संटी भाई, ऊपर वाले में जगह मिलना मुश्किल लग रहा है, बट चलो कहीं दो पैर फंसा ही लेंगे। देख कितना सही नज़ारा आ रहा है ना, है ना संटी भाई, ये शाम को आएंगे हम लोग यहाँ पे रात को, लाइटें जलेंगी, तो इस वीडियो में ही दिखा देना आज रात को इन्हें। भाई ये हम बैठ गए बोट पे, बोट के ऊपर आ गए, और यहाँ से नज़ारा ये देखो, और हमको जाना कहाँ है, हमको जाना है वो रिवाइज स्टैचू ऑफ लिबर्टी, वहाँ तक जाना है। आंटी को देखो भाई, आंटी बन रखी है स्टैचू ऑफ लिबर्टी होटल, ये टोपी से आप ले सकते हो, बोट पे मिलती है $10-12 की शायद। भाई देखो ये एलिस आइलैंड है ये जो है, अब वो उस छोटे से ब्रिज से कनेक्टेड है यूनाइटेड स्टेट से, और तीनों तरफ इसके चारों तरफ पानी है, बस वो ब्रिज है। तो जितने भी इमिग्रेंट्स आते थे ना उन सबका इमिग्रेशन यहाँ पे होता था, उसके बाद उनको परमिशन मिलती थी यूएसए में एंटर होने की। तो अब तो ये शायद कुछ ऐसा पोर्ट वोट है नहीं, ये तो पुराना ही है, अब यहाँ कुछ नहीं होता। बोट पे से आप चाहो तो यहाँ भी उतर सकते हो, हम डिसाइड करते हैं उतरना है या फिर नहीं।
देखो वो आ गया स्टैचू ऑफ लिबर्टी, पर हम पहले रुकेंगे एलिस आइलैंड पे और फिर यहाँ से हम जाएंगे स्टैचू ऑफ लिबर्टी। तो भाई एलिस आइलैंड पे हम उतर ही गए, वैसे अगली फेरी यहाँ से स्टैचू ऑफ लिबर्टी जो जाएगी वो 10:50 पे जाएगी और ये वाली 10:05 पे, तो मतलब हर 45 मिनट में कुछ जा रही है। तो हमारे पास यहाँ पे लगभग ये मान लो 50 मिनट हैं, तो 50 मिनट में मैं आपको दिखाता हूँ कि यहाँ पे पहले इमिग्रेशन कैसे होता था लोगों का। एक तरह से म्यूज़ियम टाइप है ये एलिस आइलैंड, नेशनल म्यूज़ियम ऑफ इमिग्रेशन, तो यहीं पर सारे इमिग्रेशन ऑफिसर पहले बैठे होते होंगे। 3-3 महीने लोग यूरोप से शिप में आते होंगे, जो मेरे हिसाब से जो टाइटैनिक शिप भी न्यूयॉर्क आ रहा होगा ना, न्यूयॉर्क आ रहा था ना शायद, तो न्यूयॉर्क आ रहा होगा, उनका भी इमिग्रेशन यही होना था और वो यहाँ पे कभी पहुँच ही नहीं पाए। भाई ये देखो पुराने बैग रख रखे हैं लोगों के, सूटकेस उस ज़माने में जब होते थे तो ऐसे दिखते थे, ऐसी कार्ट्स पे लोड होके आते थे, तो ये सब दिखा रखा है। देखो इसने लिख रखा है कहीं से आ रहा होगा वाया हेवियर न्यूयॉर्क। भाई ये देखो ऑडियो गाइड दे दिया और हिंदी में बोल रहे हैं ये। हिंदी बहुत फेमस है यार, अभी तो मैं हिंदी में वीडियोस बनाता हूँ, मज़ा आता है। भाई यहाँ पे तो सारी हिस्ट्री लिखी थी, अगर आपको जाननी है हिस्ट्री तो पढ़ सकते हो, मैं इतना सब बताऊँगा नहीं वीडियो में। तो यहाँ पे एक ना कैफे सा है, तो उस पर आ गए हम, क्योंकि भाई सुबह से हमने कुछ नहीं खा रखा, तो वैसे तो यहाँ पे बहुत महंगी महंगी चीज़ें हैं, पर हमने सोचा एक पिज़्ज़ा ही ले लेते हैं जो कि $9-10 का कुछ पड़ेगा और आधा आधा कर लेंगे, कि मतलब बस हमारी थोड़ी भूख सी मिट जाए। भाई हमने लिया है बफलो चिकन पिज़्ज़ा। अब आप सोचोगे इसमें बफलो है, पर ऐसा होता नहीं, ये बस एक फ़्लेवर का नाम होता है, जैसे बफलो सॉस होती है उसमें कोई बफलो नहीं होती, ये बस एक फ़्लेवर का नाम है, तो हमको ये ज़्यादा सही लगा चीज़ पिज़्ज़ा से। तो देखो इसमें क्या डाइस चिकन ऑनियंस माइल्ड बफलो सॉस है, ठीक है, तो सॉस में भी कुछ बफलो नहीं होता कहीं, सोचो आप। भाई ये हमारा आया है पिज़्ज़ा, भाई मेरे उम्मीद के अनुसार ना, देखो मेरा हाथ तेरा बड़ा आया है, ठीक है। ये पूरा इनका डाइनिंग हॉल है, यहीं पे सॉस वगैरह रख दी, जिसको जितनी सॉस खानी है खाओ, कुछ ऐसा नहीं है कि पैसे वैसे लेंगे आपसे। हमने हॉट सॉस ले ली है वाली, ये थोड़ी मिर्ची होगी, हो आधी तो बाहर गिर गई, चलो कोई नहीं। इंडिया में तो सिस्टम नहीं होता, पास रखो ना। हाँ बेचारे यूट्यूबर क्या करे, वीडियो बनाए सॉस ले भाई। भाई पिज़्ज़ा खा लिया हमने, अब ये था एलिस आइलैंड, ये पूरा इनका इमिग्रेशन ऑफिस था। अब दोबारा बोट वापस आ चुके 10:50, अब इस बोट में बैठ के हम जाएंगे स्टैचू ऑफ लिबर्टी। तो भाई आप मेरे पीछे देख रहे हो स्टैचू ऑफ लिबर्टी, उसके पीछे न्यूयॉर्क की स्काईलाइन। अब ये बोट यहाँ पे पार्क हो जाएगी, फिर पूरा हम ये घूमेंगे थोड़ी देर और अगली बोट में बैठ के यहाँ से होपफुली न्यूयॉर्क चले जाएंगे। हम चढ़े न्यू जर्सी में से थे, पर हम चले न्यूयॉर्क जाएंगे, क्योंकि वरना न्यू जर्सी जाएंगे वही उल्टा रूट पड़ेगा। पर टिकट पे तो टिकट के हिसाब से हमको न्यू जर्सी जाना पड़ेगा, पर संटी भाई बता रहे हैं कि जाते वक्त ना टिकट चेक नहीं करते, क्योंकि यहाँ पे जितने भी लोग आ रखे हैं ना, उन्होंने ऑब्वियसली बात है टिकट खरीदी होगी फेरी की, तभी आए, तैर के तो कोई आया नहीं है, तो चेक नहीं करते हैं। तो देखते हैं, अगर चेक कर ली तो न्यू जर्सी चले जाएंगे, नहीं चेक करी तो न्यूयॉर्क चले जाएंगे। तो भाई यहाँ पे आके हम उतर गए हैं स्टैचू ऑफ लिबर्टी पे, शिप से अपनी बोट से उतर गए और ये मेरे पीछे आप देख सकते हो, इसके शॉट्स तो मैं आपको दिखाऊंगा, पर इसके बारे में थोड़ा जानना ज़रूरी है। ये USA को गिफ्ट किया था फ्रांस ने 1886 में, और ये पूरे का पूरा ऐसा का ऐसा, मतलब फ्रांस ने रख के नहीं भेजा था शिप में, ये पार्ट्स में आया था, छोटे छोटे डब्बों में आया था, फिर यहाँ पे लाके इसको पूरी तरह से असेंबल करा गया। जो ये स्टैचू है वो बना हुआ है कॉपर का, पर आप कहोगे कॉपर तो भाई ब्राउन कलर का होता है, जी हाँ कॉपर ब्राउन कलर का होता है, पर यहाँ पे कॉपर जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है ना, तब वो ऐसा ग्रीन कलर का हो जाता है। और इसको अगर साफ़ करें ये लोग अगर चाहें तो, पार्क वाले मतलब जो भी गवर्नमेंट है वो साफ़ कर सकती है, और ये नीचे इसका ब्राउन ही कलर निकलेगा, पर अभी इसको हम ग्रीन में इसलिए देख रहे हैं क्योंकि इसको बार बार साफ़ करेंगे ना, तो अंदर का जो कॉपर है ना वो ख़राब होने लग जाएगा। तो उन्होंने सोचा कि भाई ऊपर की लेयर ही ख़राब हो लेना तो एक बार, पर अंदर का हम बार बार ख़राब नहीं होने देंगे। तो ये तब से ही मतलब आया तो ब्राउन कलर का था ये, पर अब ये होते 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 इतने सालों में ये ग्रीन कलर का हो गया है। आप इसका भाई वो देखोगे, जब ये प्लेटफॉर्म है ऊपर स्टैचू है, जो स्टैचू है ना वो 151 फुट का है,
वो ग्रीन जहाँ से शुरू होता है और ऊपर मशाल तक 151 फीट है, पर अगर नीचे से अगर आप ऊपर तक देखोगे ना तो 305 फुट का स्टैचू है ये। ये तो शायद मेरे को लग रहा है अमेरिका में ही बनाया होगा स्टैचू, स्टैचू भेजा होगा फ्रांस वालों ने। स्टैचू का डिज़ाइनर जो था वो था गुस्तावे आइफिल, जिसने आइफिल टावर डिज़ाइन करी है फ्रांस में। जो आप मशाल देख रहे हो ना, उस मशाल पे एक डेट लिखी हुई है रोमन न्यूमेरिक्स में, वो डेट है 4 जुलाई 1776, जो कि है यूएसए का इंडिपेंडेंस डे। ये जो स्टैचू है ना, ये डिपिक्ट क्या कर रहा है, ये क्यों मतलब फ्रांस ने दिया, क्योंकि यूएसए में जब स्लेवरी ख़त्म हो गई थी उस चीज़ को ये स्टैचू डिपिक्ट करता है कि अब बंधुआ मजदूरी यहाँ पे ख़त्म हो जाती है। जो ये जो स्टैचू ऑफ लिबर्टी है, मतलब लेडीज़ का स्टैचू है ये, इसके पैर में चेन बंधी हुई है और वो चेन टूटती हुई दिखाई है कि अब यहाँ पे कोई भी स्लेवरी नहीं होगी अमेरिका में। अमेरिका में संटी भाई भी बता रहे थे कि जो साउथ की स्टेट्स हैं अमेरिका में, वो स्लेवरी को कंटिन्यू करना चाहती थी, जो टेक्सस हो गई और जितनी भी ये साउथ की स्टेट है, एरिजोना वगैरह, ये सारी स्टेट्स स्लेवरी को कंटिन्यू करना चाहती थी, पर जो नॉर्थ की स्टेट्स थी ना, वो स्लेवरी को अबॉलिश करना चाहती थी। तो दोनों में स्टेट्स में अमेरिका के अंदर ही सिविल वॉर हुई थी और फाइनली जो नॉर्थ की स्टेट्स थी वो जीत गई थी और फिर स्लेवरी को अबॉलिश कर दिया गया। भाई ये देखो, ये लिखा हो जुलाई 4, 1776, ये 1776 रोमन न्यूमेरल्स में लिखा है। और अगर आप ऊपर तक जाना चाहते हो ना, तो भाई उसकी भी आप टिकट ले सकते हो, इसके सिर में जाना है, ऊपर मशाल तक जाना है, या फिर यहाँ पे जाना है, देखो ये बंदे खड़े। पर इसकी टिकट ना आपको एडवांस में बुक करानी पड़ेगी और काफ़ी महंगी मिलती है। तो मेरे हिसाब से तो यार वही बात हो गई, जब बुर्ज खलीफा देखने तो बुर्ज खलीफा से बाहर ही आना पड़ेगा ना, स्टैचू ऑफ लिबर्टी देखने उसके ऊपर चढ़ के क्या ही मिल रहा है। तो मेरे हिसाब से नीचे से देखो ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि ऊपर वाले नीचे देखने लग रहे हैं, उनको क्या मिल रहा है, और चारों तरफ समुंदर ही है तो आपको स्काईलाइन भी आराम से दिख जाएगी, ऊपर से जाके बल्कि मैं बताऊँ तो इतनी अच्छी नहीं दिखेगी जितना नीचे से दिख रही है। भाई न्यूयॉर्क मेरी ड्रीम सिटीज़ में से एक, उसमें से एक ड्रीम डेस्टिनेशन स्टैचू ऑफ लिबर्टी। कितने सारे मतलब हमने फिल्मों में देखा है, कितनी मूवीज़ में देखा है कि बाढ़ आ रही है, पूरा न्यूयॉर्क डूब रहा है, उससे पहले स्टैचू ऑफ लिबर्टी डूब रही है, यहीं समुंदर से बाढ़ आ रही है। तो मैं जब से न्यूयॉर्क आया ना, संटी भाई को एक ही बात कह रहा था मैं कि संटी भाई स्टैचू ऑफ लिबर्टी चलना है, स्टैचू ऑफ लिबर्टी चलना है, स्टैचू ऑफ लिबर्टी चलना है। और दूसरा जो मेरी फेवरेट जगह है न्यूयॉर्क में वो है टाइम स्क्वायर। तीसरी जो मैं विजिट करना चाहता हूँ वो है ब्रुकलिन ब्रिज, जहाँ पे वो कल होना हो वाली शूटिंग हुई है शाहरुख खान की, शाहरुख खान की मूवी की काफ़ी शूटिंग हुई है न्यूयॉर्क में, तो वो सारी चीज़ें देखनी है भाई मेरे को। अरे यहाँ पे वो स्टेयर्स भी हैं क्या जो उस वाले बैटमैन वाली मूवी में, वो न्यूयॉर्क में ही है क्या? एक वो जहाँ पे जोकर चलता है ना, हाँ वो स्टेयर से नीचे उतरता है, हाँ, वो यही न्यूयॉर्क सिटी में ही है। चलो भी चल लेंगे, उसको भी चल लेंगे, न्यूयॉर्क वाली वीडियो में आपको अलग से दिखाऊंगा कि न्यूयॉर्क कैसा है, उस वाली वीडियो में कवर कर लेंगे उसको। तो ये था स्टैचू ऑफ लिबर्टी भाई, बड़ा मस्त है यार, अच्छा मज़ा आ रहा है। और पता है मौसम इतना सही है, सितंबर मिड चल रहा है अभी, तो आप सितंबर मिड अक्टूबर स्टार्टिंग में आते हो तो सही रहेगा, उससे ज़्यादा लेट हो जाओगे तो भाई फिर ज़्यादा सर्दी हो जाएगी या फिर ज़्यादा गर्मी हो जाएगी। भाई यहाँ पे आ गया है स्टैचू ऑफ लिबर्टी म्यूज़ियम, वो देखो वो लिखा हुआ, पर हम म्यूज़ियम के अंदर नहीं जाएंगे, मनसा भी नहीं है। यहाँ से पानी ले लेते हैं, एक पानी की बोतल ले लेते हैं, यहाँ ले लो वहाँ ले लो, वहाँ पर भी एक दुकान है तो कहीं से भी ले लो, एक पानी की बोतल ले लेते हैं। यहाँ टॉयलेट्स तो खैर फ्री हैं, पर पानी के लिए तो आपको पे करना ही पड़ेगा। हम लाए नहीं यार, भारी की वजह से नहीं लाए, अगर आपका बैग है ना तो अपना पिट्ठू बैग में डाल ही लाना। भाई ये पानी की बोतल आई $3.50 की, खैर अमेरिका के हिसाब से ठीक है, पर अगर आप सुपर अमेरिका के हिसाब से ठीक ठीक है, चलो मान लेते हैं अमेरिका वो है महंगा तो मान लेते हैं $3.50, पर ऐसी ऐसी 24 पानी की बोतल सुपर मार्केट से $4 में मिलती है और ये एक मिली है, तो सोचो वो कितने, क्योंकि 24 मतलब वो तो कितने की हो गई यार, वो तो 25 सेंट की एक होगी लगभग, 7-8 रुपए की बोतल आ जाती है वो। हाँ, और ये कितने, 300 रुपए की पड़ी है। ये भाई लिबर्टी म्यूजियम के अंदर आ गए हम, कुछ ऐसा है, इसमें सारी हिस्ट्री वगैरह लिखी होंगी तो मैं आपको ज़्यादा उसमें बोर नहीं करूँगा, पर सही है अपना आगे देख सकते हो, फ्री है वो, $25 के साथ इंक्लूडेड है, मतलब क्योंकि उनको पता है यार जो भी $25 दे के आएगा वो फेरी लेके आ रहा है तो उसने पैसे दिए ही है 25। तो देखो हाँ, ऐसे कलर की थी स्टैचू ऑफ लिबर्टी अगर आपको बताऊँ तो, अब ग्रीन हो गई भाई। रियल कलर तो कॉपर का ही होता है, आपको पता ही होगा, पर ये इतना बड़ा पैर ले कहाँ से आए, ये असली वाली स्टैचू का है क्या, ये नहीं पता भाई, अब असली वाली स्टैचू का है नहीं है। देखो यहाँ पे समझा स्टैचू ऑफ लिबर्टी के अंदर क्या कैसा कैसा है, ये नीचे का प्लेटफॉर्म हो गया, ऊपर पूरी लिबर्टी, बीच में से लिफ्ट जा रही है, यहाँ पे रुकने का प्लेटफॉर्म, पूरे हाथ के अंदर तक लिफ्ट जाती है। भाई ये देखो लिबर्टी पे इंडिया का फ्लैग ढूंढते हैं,
आयरलैंड का है, इंडिया का तो नहीं दिख रहा भाई। नहीं यार इंडिया का तो, इंडिया का नहीं है यहाँ पे फ्लैग भाई। जिस तरीके से इंडिया भी तरक्की कर रहा है ना, मैं आपको लिख दूँ, थोड़े दिनों में ना इसकी टाट पे है ना इंडिया का फ्लैग लगा होगा और इतना बड़ा भाई। अब आ गए यहाँ से टाइम इसको अलविदा कहने का। शायद मैं $25 दे के दोबारा तो कभी ना आऊँ देखने। ऐसे दोस्तों के साथ कभी आ गया, फैमिली के साथ कभी आ गया तो आ जाऊँगा, वरना खुद तो मैं दोबारा नहीं आऊँगा, क्योंकि दूर से देख लो ठीक है, पर $25 बार बार देने। वैसे इतना एक्सपेंसिव ही नहीं है क्योंकि उसके बाद सब कुछ ही इंक्लूडेड है। तो यहाँ गए हमारी फेरी, ये जाएगी हमको लेके न्यूयॉर्क। भाई भीड़ देखो यार, कितने लोग हैं पीछे तक हैं। ये फेरी जा रही है न्यूयॉर्क। भाई ये देखो, आप सिक्के भी देखोगे ना तो इनकी जो पेनी होती है ना वो कॉपर की होती है, तो ये भी ग्रीन हो गई है आप देखोगे तो। ऐसे ही स्टैचू ऑफ लिबर्टी, वो देखो वो भी उसी कलर की ग्रीन हो रखी है, तो कॉपर ग्रीन हो जाता है ऑक्सीजन के साथ ना। ये वाली भाई फेरी फ्री वाली है। अब आप बोलोगे आप फ्री वाली में क्यों नहीं गई, ये मैं आपको उतर के बताता हूँ, आप चूज़ कर लेना आपको किस में जाना है। तो बोट पे मैंने आपको बताया था एक फ्री वाली फेरी भी थी जो मैंने आपको दिखाई थी, काफ़ी बड़ी थी वो, तो वो आप ले सकते हो सिर्फ न्यूयॉर्क से। तो वो न्यूयॉर्क से जो वो फेरी है ना वो जाती है स्टैटन आइलैंड, वो स्टैचू ऑफ लिबर्टी वाले आइलैंड पे नहीं रुकती, वो बिल्कुल फ्री है, एक भी रुपया नहीं देना आपको। उसमें बैठ के जाओ, स्टैचू ऑफ लिबर्टी के पास से निकलेगी उस आइलैंड के पास से, और स्टैटन आइलैंड पे आपको छोड़ देगी, और भी स्टैटन आइलैंड से वापस आ जाओ न्यूयॉर्क, ऐसे कर सकते हो। पर अगर आपको स्पेसिफिक स्टैचू ऑफ लिबर्टी और एलिस आइलैंड पे जाना है ना, तो आपको $25 दे के ही फेरी लेनी पड़ेगी। तो ये अंतर है दोनों में, आप चूज़ कर सकते हो। मेरे को भाई पास से देखना था, दूर से देख के क्या ही मज़ा आता, मतलब ठीक है देख सकते हो दूर से भी, पर पास से थोड़ा एक बार देखना ज़िंदगी में, देख लेना अगर बजट परमिट करता है आपका। तो ये दोनों में डिफरेंस है। तो भाई यहाँ पे हम उतर गए, पीछे हमारी बोट खड़ी है, ये हम पहुँच गए न्यूयॉर्क, और यहाँ पे है लोअर मैनहट्टन की बिल्डिंग्स। इसके बारे में हम अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। भाई आपको स्टैचू ऑफ लिबर्टी की वीडियो कैसी लगी, मेरा ड्रीम डेस्टिनेशन था यहाँ पे विजिट करना, और अब हम चलते हैं न्यूयॉर्क के अंदर। इस वीडियो को रखते हैं यहीं तक, अब आपको मिलेंगे अगली वीडियो में।